हे व्हाट्सअप गाइस, क्या करियर सब लोग। सो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग प्रीमियर प्रो में कैसे 3D ट्रेवल एनिमेशन तैयार कर सकते हैं, यानी कि आप लोग बिना टिकट में कैसे फ्लाइट में सफर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले तो इस तरह की आप लोग एक मैप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो उस मैप को मैं यहाँ पर टाइमलाइन पे ऐड करता हूँ, और इसकी जो ड्यूरेशन होगी मैं यहाँ पर 14 सेकंड दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और स्केल टू फ्रेम सेट कर दूंगा, ठीक है। इस तरह से उसके बाद मैं यहाँ पर एक न्यू एड्रेस में लेयर ले लूंगा, इसको बाय डिफॉल्ट में रहने देता हूँ। उसके बाद मैं ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको पकड़ के इसके ऊपर ऐसे अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और इसको जो ड्यूरेशन होगी मैं फुल कर दूंगा इस हिसाब से, और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एड्रेस में जाएंगे और ऐप पर सर्च करेंगे राइट ऑन। सो राइट ऑन को मैं पकड़ के एड्रेस में लेयर के ऊपर अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। पहले तो मैं राइट ऑन को सिलेक्ट करता हूँ, इसकी जो कलर होगी मैं यहाँ पर इसे रेड फिल कर दूंगा, और इसकी ब्रश की जो साइज होगी मैं यहाँ पर 10 फिल करूंगा, ठीक है। और आप ब्रश की जो लेंथ होगी, स्ट्रोक लेंथ होगी, इसको मैं पूरा 3000 कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। और ब्रश की जो स्पेसिंग होगी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 0.18। ओके, तो आप लोगों के पास इस तरह की रेंज पर आ जाएगी, ठीक है। सो पहले तो मैं ब्रश की जो पोजिशन है इसको मैं क्लिक करता हूँ, और मैं इस पोजिशन को यहाँ पर लेकर आता हूँ, और इससे जो ट्रेवल एनिमेशन होगी मैं इसे ऑन कर दूंगा इस तरह से। उसके बाद 2 सेकंड जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और राइट हैंड को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 4 सेकंड जाएंगे और मैं इसको यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा इस तरह से, और 6 सेकंड जाएंगे मैं इसे यहाँ पर रख दूंगा। आप लोग जहाँ जहाँ पर जाना चाहते हैं उसको हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों की एनिमेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये देखिए। सो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक ब्लू छोटी छोटी डॉट दिखाई दे रही है, मैं इसे जूम करता हूँ, ये देखिए। आप इसको ऐसे ड्रैग करके इसका जो रोटेशन होगी उसे एकदम स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप लोग यहाँ पर जाएंगे विंडोज में, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को एसेंशियल ग्राफिक्स दिखाई देगी, सो इसका बॉक्स आप लोग को अनचेक होगी, मेरे पास तो चेक है, ठीक है। सो उसे चेक कर देना, तो जैसे ही चेक करेंगे आप लोगों को राइट साइड पे एक पैनल आ जाएगी बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। सो उसके बाद आप लोग इनिशियस में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक आप लोग को दिखाई देगी न्यू लेयर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और एलिप्स ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सो मैं जैसे क्लिक करता हूँ एक शेप मेरे पास आ जाएगी। सो पहले तो मैं इसका जो शेप की साइज है मैं ऐसे इसे शेप में कन्वर्ट कर दूंगा, और इस पॉइंट को मिडिल में रख दूंगा, और इसको मैं पकड़ के सामने की तरफ से खींच दूंगा, और इसके जो लेंथ होगी मैं पूरा इसके हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। और मैं पॉइंट सामने की तरफ लेके जाऊंगा और इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और पहले तो मैं एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, और इसकी जो एंकर पॉइंट होगी मैं इसको ऐसे मिडिल में रख दूंगा, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग इसकी स्केल है इसे टॉगल में से मैं ऑन कर दूंगा, और स्केल की जो साइज होगी मैं यहाँ पर 0 फिल कर दूंगा, ओके। उसके बाद मैं एंटर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जाएंगे 7 फ्रेम, ठीक है। आप लोग कीबोर्ड की राइट और की 7 बार दबा के आप लोग जा सकते हैं, या फिर मैं इसे मैनुअली सेलेक्ट कर दूंगा। 7 फ्रेम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग 7 फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी मैं 100 फिल कर दूंगा। उसके बाद फिर से जाएंगे आप लोग यहाँ पर 7 फ्रेम में, यानी 14 फ्रेम पे, ठीक है। और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, और इसका जो वैल्यू होगी मैं यहाँ पर 20 फिल कर रहा हूँ, ठीक है। सो और पहले तो मैं सेट को क्लिक करता हूँ, इसको कलर होगी मैं यहाँ पर ब्लू कर रहा हूँ इस तरह से। उसके बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। सो ये देखिए आपका जो पॉइंटर किया था इस तरह से ब्लिंक करेगा, ठीक है। मैं पहले इसे करता हूँ इजी इज आउट, और इसमें क्लिक करता हूँ, इसे मैं करता हूँ इजी, और मिडिल वाली की होगी इसे मैं कर दूंगा बेजियर, ठीक है। और उसके बाद मैं इसे कॉपी बना लूंगा, मैं कीबोर्ड की आल्ट की को प्रेस करके इसका कॉपी बना लूंगा पहले, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा सेम में, और इसकी जो कलर होगी मैं यहाँ पर ऐसे कर दूंगा रेड, ठीक है। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ, आपके पास इस तरह की आ जाएगी। उसके बाद फिर से हम जाएंगे नीचे की जो लेयर होगी, मैंने जो ब्लू लेयर लिया था उसको तो इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं जाऊँगा इसको जो लास्ट की पिंग लिया था ये वाले की पिंग को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी मैं यहाँ पर 40 कर दूंगा। उसके बाद मैं एंटर क्लिक करता हूँ, तो आप लोगों के पास इस तरह की आ जाएगी मेरे से, ठीक है। सो उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ओके।
उसके बाद मैं इसे बाइंड कर लेने देता हूँ। उसके बाद मैं फोर क्लिक करता हूँ और मैं इस जो सीक्वेंस अभी तैयार किया था न्यू सीक्वेंस उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसके जो वॉइस होगी मैं मोशन पर क्लिक करता हूँ और इसका जो पॉइंटर होगी ये पॉइंटर इससे मिडिल में ऐसे रख देंगे ठीक है और इसको मैं पकड़ के यहाँ पर छोड़ दूँगा यहाँ पर ठीक है। तो आप लोग को ये देखिए ऐसे क्लिक करेगा। सो आप लोग जहाँ जहाँ पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं ठीक है। मैं यहाँ पर फिर जाता हूँ यहाँ पर चलता हूँ यहाँ पर रखना चाहिए मुझे। सो मैं कीबोर्ड से ऐसे आगे दबा के एक कॉपी बना लूँगा इस तरह से और इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और इसको इस तरह से मैं यहाँ पर रख दूँगा ठीक है। मैं मौसम पूरा क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट करूँगा। सो आप लोग जहाँ जहाँ पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं ठीक है। यानी ये जो ये कुछ एरिया ज़्यादा होगी सो इसको मैं क्या करता हूँ इस तरह से मैं सिलेक्ट करता हूँ ठीक है। और कीबोर्ड से मैं सी प्रेस करूँगा उसके बाद मैं कीबोर्ड से शिफ्ट को पकड़ के यहाँ पर कट कर दूंगा तो आपको सारा जो लेयर होगी एक साथ कट हो जाएगी ठीक है। उसके बाद मैं कीबोर्ड से भी को पकड़ता हूँ और इन सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से मैं डिलीट कर दूंगा ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है सिंपली यहाँ पर आप लोगों को सारे लेयर को सिलेक्ट करना है ठीक है। राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट क्लिक कर देना है ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका जो नाम होगी मैं चेंज कर दूंगा मैं करता हूँ 3D मैप। उसके बाद में वो क्लिक करूंगा ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद आप लोग जाएंगे एपिक सिस्टम में ठीक है। और यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे एडुलेक्स। सो यहाँ पर आप लोग दिखाई देगी 3D ट्रैवल मैप एनिमेशन। सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आप लोग चाहो पहले इसे डाउनलोड कर लो और आप लोगों को इंस्टॉल कैसे करना है पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ ठीक है। सो इसको मैं पकड़ के इसके ऊपर ऐसे अप्लाई कर दूंगा सिंपली और कुछ नहीं आप लोगों को करना है। सो ये ऑटोमेटिकली वीडियो में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी छोटे से वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए यार बाय गाइस।